ऑलर्ट ऑलर्ट नमस्ते जी सो दिस इज एज ई हियर एंड विल सी हाउ द मार्केट्स कैन मूव टुमारो सो आज का पहले डिस्कस कर लेते हैं आज पहले क्या हुआ लेट इफ़ यू गो टू द थर्टी मिनट ऑफ फिफ्टीन मिनट चार्ट यू विल क्लियरली सी दैट हमने कल जो एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है फोर्टी टू थाउजेंड नाइन फिफ्टी के अराउंड वहाँ से हमें जो जो भी अपमू आएगा उसको चेस नहीं करना है दैट वॉज द फर्स्ट व्यू दैट आई सेड यस्टर्डे हमें दोनों साइड के मूव देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है मॉर्निंग में जो गैप अप हुआ गैप अप ऑ सोल्ड ऑफ इन अ वन साइडेड सेल ऑफ फ्रॉम हियर तो यहाँ पे आप देखो ऊपर की तरफ क्लियर कट आपको एक बियरिश uh, सिनारियो देखने को मिला होगा यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला होगा आई क्लियरली ऑल्सो सेड वन मोर थिंग दैट अगर ऊपर की तरफ से अगर शॉर्ट यहाँ पे भी करते हो स्टिल आपको एक 250-300 पॉइंट का या 300-400 पॉइंट का मोमेंटम इमिजिएटली मिल जाएगा यहाँ से आपको डेफिनेटली एक 250-300 पॉइंट का मोमेंटम मिला होगा ठीक है उसके बाद में क्या हुआ आफ्टर गोइंग साइडवेज हियर फॉर ऑलमोस्ट फुल डे यहाँ पे Uh, डेढ़ बजे दो बजे के बाद में अच्छा खासा ऊपर इधर मोमेंटम भी आया था सो आई ऑल्सो हैड सेट दिस अगर आप एक मूव मिस करते हो तो आपको डेफिनेटली फिर से मौका मिलेगा मतलब दोनों साइड के मूव्स मिलेंगे आपको ये आइडिया uh, था सो दिस आई होप सो इस डेज यू आज हेल्पफुल लेट्स सी कि कल कहाँ पे जा सकते हैं मार्केट सो लेट्स गो टू द वन आवर टाइम फ्रेम नाउ आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शो यू यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला जो वन आवर का जो कैंडल है उसी में पूरा दिन मार्केट रहा एंड उसके बाद में आपको आप अगर देखो तो आफ्टर वन आवर एवरी सिंगल कैंडल वॉज इन साइड दिस बार एंड एंड ऑफ द डे में क्या हुआ सिर्फ एक एंड हाई का टच करके इट रिजेक्टेड सो फुल डे वॉज अ कंप्रेशन आपको दोनों साइड के मूव्स मिले लेकिन वो पहले वन आवर के कैंडल में ही आके क्लोज हुआ डेफिनेटली यह, यहाँ से इसके ऊपर ना ही ब्रेकआउट दिया ना ही ब्रेकडाउन दिया एंड राइट नाउ फ्रॉम लुकिंग एट दिस कैंडल स्ट्रक्चर दिस इज क्लोज नियर द रजिस्टेंस आज का जो क्लोजिंग आया है वो थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास में आया है ठीक है तो किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है यू वी नीड मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट मतलब इसी को जब मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करेगा तब जब ब्रेकआउट आएगा तब वो ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है एंड अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता है देन वी गेट अ स्ट्रांग सेल ऑफ एज वेल तो दोनों सिनेरियोज होते हैं ऑलवेज तो दिस इज द फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस इज दर्ड टाइम दिस यहां पर जब बना था यहां पर देखिए आप दिस वॉज द प्रीवियस पहले बना सपोर्ट की तरह काम किया था उसी को फिर से इसने रजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर दिया जो गैपअप हुआ था दैट रिजेक्टेड फ्रॉम दैर उसके बाद में क्या हुआ आज का ओपनिंग भी समर राउंड देयर हुआ एंड द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग भी वहां पे हुआ है सो द क्लियर सिनेरियो इज अगर कल गैप अप नहीं होता है ले जैसे इफ देर इज नो गैप अप फ्रॉम हियर लेट जैसे अगर कल का ओपन इफ इट इज नॉट अबव द प्रीवियस डे हाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपन अगर नहीं होता है देन देर इज अ प्रॉबेबिलिटी दैट अगर गैप डाउन ओपन होता है विल हैव अ चांस दैट ये फिर से टेस्ट होगा मतलब क्या होता है कि जस्ट इन केस वी हैव अ क्लियर सिनारियो मतलब uh, ये जो रेंजेस है ना रेंज क्लियर बनाया हुआ अभी ये जो प्रीवियस कुछ भी रहने दो ये जो रेंज बना है ना वन आवर का कंप्रेशन दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कल का जो प्लान है ना पूरा वो इन दो लेवल्स के ऊपर बेस्ड uh, किया जा सकता है सो so, uh, कल के लिए दो प्लान है मेरे पास लाइक जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कल का ओपन एनी इन दिस बिटवीन एरिया अगर होता है एंड अगर फर्स्ट कैंडल शोज अ बुलिश साइन फर्स्ट वन और टू कैंडल्स ले जैसे नाइन ट्वेंटी फाइव नाइन थर्टी तक अगर हमें कोई भी बुलिश साइन ऐसे अगर मिलता है लेजिस ड्राइड विद द ग्रीन कैंडल अच्छे गर, candles, अगर बुलिश कैंडल्स अगर क्लोज मिलता है फर्स्ट फाइव टू टेन मिनट्स में देन देर इज अ हाई प्रॉबिलिटी दैट दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विल बी अटेम्प्टेड अगेन बाय बैंक निफ्टी यह रजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश फिर से की जाएगी एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देर इज अ प्रॉबिलिटी दैट वी माइट गेट अ गुड ट्रेंड फ्रॉम हि ढाई सौ तीन सौ फिर से तीन सौ पॉइंट के आसपास में फिर से मोमेंटम मिल सकता है लेकिन ओनली कंडीशन इज की ओपनिंग यहां पर गैपडाउन होने के बाद में जैसे इसी फ्लैट ओपन या थोड़ा गैपडाउन होने के बाद में इट शूड शो द स्ट्रेंथ विद इन फर्स्ट वन और फर्स्ट वन आवर एट द वेरी लीस्ट यहां पर आने के बाद में अगर कंसोल्टेशन

हाउ वी कैन ट्रेड इफ इट ओपन फ्लैट और एनी वेर इन इन बिटवीन दिस एरिया अगर ओपनिंग के बाद में इफ़ इट क्रॉसेज बिलो द प्रीवियस डे लो इसके नीचे अगर होल्ड करता है लेजेस से इफ इट गिवज अ क्लोजिंग हियर एंड देन इट ट्राइज टू लेजे से अगर नीचे गिरने की कोशिश करता है देन देर इज अनादर सिनारी दट वी नीड टू कंसिडर की नीचे एक सपोर्ट है समर अराउंड हीर फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड के पास में एक अच्छा सपोर्ट है वेल टेस्टेड सपोर्ट है बेसिकली एंड यहाँ पे क्लोज भी है तो देर इज अल्सो वन प्रॉब्लिटी कि यहाँ पर एक बियर ट्रैप बन सकता है यू नीड टू फाइंड आउट कि अगर यहाँ पे कोई भी पुलिस स्ट्रक्चर अगर बना तो एक रेंज प्ले के लिए इसको प्ले किया जा सकता है समथिंग लाइक दिस की यहाँ से अगर कोई अच्छा बियर ट्रैप अगर देखने को मिला देन वी माइट गेट टू सी दिस रेंज मतलब ये रेंज को प्ले करना होगा जस्ट इनकेस वी सी दिस बियर ट्रैप अराउंड उंड हियर समथिंग लाइक कितना होगा ये रेंज दिस इज लाइक फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड पॉइंट ऑफ रेंज इसमें से अगर आप ढाई सौ तीन सौ पॉइंट भी कैच करते हैं विच इज इनफ फॉर इंट्रा डे ठीक है तो ये uh, रहा सेकंड प्लान एक्सट्रीम बियरिश मैं uh, uh, उसी केस में प्लान करूंगा जस्ट इन केस वी गेट अ ब्रेक डाउन ऑफ फोर्टी टू थाउजेंड टू फोर्टीन इसके नीचे प्राइस पंद्रह uh, से बीस मिनट के लिए अगर होल्ड करता है तभी मैं एक्सट्रीम बेरिज कोई भी ट्रेड लूंगा अदरवाइज द व्यू फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी इज बुलिश टू साइडवेज एनी वेयर ओपन्स इन बिटवीन दिस रेंज एंड देर इज अ बुलिश सिग्नल्स फ्रॉम द प्राइस एक्शन आई विल प्रेफर टू टेक लॉन्ग फॉर दिस टेस्ट ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड अगर इसके बाद इसके बाद में अगर इसको ब्रेकआउट करता है आफ्टर गिविंग अ मल्टीपल कंसलटेशन एट दिस पॉइंट आई विल ऑल्सो लुकिंग टू ट्रेड अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पॉइंट सो आई होप सो कि बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर है लेट्स गो टू द निफ्टी एंड लेट्स सी वाट्स हैपनिंग देर सो so, निफ्टी के केस में अगर आप देखो तो एक्चुअली निफ्टी इज लिटिल बेटर टुडे बेटर किस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम दी लेट्स गो टू द वन आवर चार्ट एंड लेट्स सेम सिनेरियो निफ्टी में भी हुआ है फर्स्ट वन आवर का जो कैंडल है उसके अंदर ही सारे कैंडल्स हैं एंड ऑफ द डे में आपको एक छोटा सा डेस्परेशन टाइप का ब्रेकआउट मैं कहूँगा इसको बिकॉज जब एंड ऑफ द डे में ऐसा ऊपर की तरफ जाके क्लोज देने की कोशिश करता है बट इट इज़ नॉट एबल टू गिव अ वेरी गुड क्लोज मतलब देखो ये डे दे हाई है यहाँ पे जाने के बाद इसने uh, कोशिश करी क्लोज देने की बट इट इज नॉट क्लोज प्रॉपरली इधर सो यूजअली वट एपन्स इज की नेक्स्ट डे का ओपन जो है ना वो समर अराउंड हीयर होने के चांसेस हाई रहता है बिकॉज वट एपन्स की अगर क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं है देर इज नो इंटेंट शोन बाय द बुल्स देन देर इज अ हाई प्रोलिटी कि नेक्स्ट डे का जो ओपन है थोड़ा सा वीक हो सकता है सो जस्ट इन केस अगर ओपन यहाँ पे होता है देन आई वेल बी लुकिंग टू ट्रेड यहाँ पे कोई भी अगर बुलिस साइन बनेगा द रेफरेंस लेवल फॉर मी टू कंसिडर इन निफ्टी स्पॉट विल भी अराउंड एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड ट्वेंटी इस रेंज में अगर कहीं पर भी ओपन होता है एंड यहाँ पे कोई भी अगर पुलिस सेनारियो बनता है विल ऑल्सो सिंक्रोनाइज बैंक निफ्टी विद द निफ्टी यहाँ पे अगर कोई भी सिग्नल हमें मिलता है uh... ऑन द बुलिश साइड देन आल अगेन प्ले फॉर दिस रेंज यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बनेगा ऑलमोस्ट एटी टू हंड्रेड पॉइंट्स का विच इज गुड फॉर निफ्टी टू ट्रेड इन इंटर्ड यहाँ पर अगर उसके बाद जाने में सेम सनारो लाइक बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने अगर कंसोल्टेशन के बाद में उसको ब्रेकआउट करता है देन आई एम इंटरेस्टेड टू ट्रेड दिस लॉन्ग फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट एटीन थाउजेंड ये जो प्रीवियस का जो रजिस्टेंस है सम अराउंड रजिस्टेंस एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं है हमने कल भी बोला था ये कि एक्चुअली बहुत क्लियर रजिस्टेंस नहीं दिख रहा मुझे निफ्टी में सो विल हैव टू सी कि न्यू रेजिस्टेंस बनेगा ऑब्वियसली जब भी मार्केट यहाँ से अगर बनेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा एंड विल गेट सम न्यू लेवल्स ऑब्वियसली पास्ट के लेवल्स पे हमें हर टाइम पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती इंट्राडे में भी काफी बार आपको एक ब्रेकआउट्स मिलेंगे कंप्रेशन मिलेंगे एंड उनके एक अलग से लेवल्स बनते जाते हैं लेवल्स कीप ऑन गेटिंग फॉर्मिंग नए नए जोन्स बनते जाते हैं नए लेवल्स बनते जाते सो राइट नाउ निफ्टी केस में आई थिंक सो कि ऊपर की तरफ अठारह दो का ये जो जोन है थोड़ा सा एक लेवल एड कर सकता है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कितना है वो मे लाइव मार्केट में, में समझ में आएगा इफ द प्राइस इज लेस जस्ट गेटिंग ब्रोकन थ्रू फ्रॉम दिस जोन देन ऊपर की तरफ हमें और नया लेवल देखने को मिलेगा सो द व्यू फॉर निफ्टी इज वेरी क्लियर 18,000, थाउजेंड ट्वेंटी एटीन थाउजेंड फिफ्टी के ऊपर अगर ओपन होता है एनी बुलिस साइन निफ्टी शुड अटेम्प्ट टू क्रॉस द प्रीवियस डी हाई अगेन एंड इन दैट केस ऑल्सो वी मे गेट टू सी अ गुड मूव फ्रॉम हियर ऐसे करके कुछ मूव आता है तो तो इन इन केस ऑफ निफ्टी एज वेल द व्यू इज बुलिश द व्यू विल बी बेरिश ओनली इफ वी गेट अ क्लोज बिलो दिस रिवर्सल जोन यहाँ पे ये जो आज का जो रिवर्सल आया हो ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इस प्राइस सेक्शन को वट इज गोइंग ऑन हियर निफ्टी में क्या हुआ uh, यहाँ पे जो मंडे का जो सेल ऑफ था थ्री पीएम के बाद में बहुत बड़ा कैंडल बना यहाँ पे आके रोका क्या हुआ आज ऊपर की तरफ गैपअप हुआ बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला ऊपर से फिर से आके यहाँ पे आकर रोका फिर से डी तोड़ने की कोशिश करी दैट मीन्स यहां पे कुछ तो ऐसा है देर आर सेट ऑफ बायर्स दैट आर डिफेंडिंग दिस लेवल सेवेंटीन थाउजेंड एट नाइन एंटी फोर बेसिकली ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है एटीन थाउजेंड के आसपास में राउंडेड ऑफ लेवल है तो ये वाला जो, जो, जो जोन है ना यहां पे एक इंटरेस्ट बन रहा है बायर्स का कि एनी स्ट्रांग सेल ऑफ देर आर डिफेंडिंग अग्रेसिवली फ्रॉम दिस पॉइंट सो इफ दिस लेजे जोन इज गिवन अप ओनली देन आई विल बैरिश अगर अग्रेसिवली ऐसा अगर जोन डिफेंड मतलब अगर गिवन अप हो जाता है हैफरेबली बिलो द प्रीवियस डे लो सम अराउंड हियर अगर जोन गिव अप होता है ओनली इन दैट केस आई बी बेरिश अदरवाइज यहाँ पे जो ना रेंज प्ले काफ़ी अच्छा बन सकता है जैसे अगर ओपनिंग यहाँ पे कुछ होता है सेम वे अगर बैंक निफ्टी बी ट्रैप बनाता है देन आई विल बी वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रेड दिस रेंज प्ले यहाँ पे फिर से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है टू टेस्ट द प्रीवियस डे हाई सेम जस्ट लाइक गोज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को सिंक्रोनाइज करके चलेंगे अपन कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर बी ट्रैप बन रहा है ना तो uh, निफ्टी में भी मे भी अपन थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर ही देखेंगे बट राइट नाउ आई थिंक सो अगर बेयर ट्रैप बैंक निफ्टी में बनेगा तो उसका थोड़ा सा सक्सेस रेशियो होने का जो चांसेस है वो थोड़ा हायर रहेगा एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इज कल वेनेसडे है वेनेसडे इज यूजअली अ डे ऑफ ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर वॉलोटाइल हो गया थोड़ा सा मार्केट तो देर इज हाई प्रोयरिटी की एक ओवर ट्रेडिंग का सीनारिय बन जाएगा मतलब यहाँ से अगर क्लियर स्ट्रेंथ बायर्स भी नहीं दिखाते क्लियर स्ट्रेंथ सेलर्स भी नहीं दिखाते तो यूजली ऐसे केस में क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गोइंग टू ओवर ट्रेडिंग मतलब कंटिन्यूसली ट्रेड्स पंच करते रहेंगे दे विल ट्राई टू ट्रेड दिस पाइक ऑल्सो दे विल ट्राई टू ट्रेड दिस पाइक ऑल्सो सो अनलेस यू गेट अ वेरी क्लियर सिग्नल फ्रॉम द प्राइस दट येस दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ डोंट गो लॉन्ग एंड अनलेस इट इज शोइंग अ क्लियर सिनरियो दैट इट इज शोइंग वीकनेस डोंट गो शॉर्ट बिकॉज यूजली क्या होता है एक्सपायरी का पहला दिन होता है वेनजडे एंड देर आर यूजअली वेरी ह्यूज पोजिशन गेटिंग डिप्लॉयड और लीजिए अनवॉन्टेड बिल्डअप काफ़ी कुछ चीज़ें होती रहती है ऑप्शन में तो वेनेसडे के दिन जो होता है ना वो यूजुअली और आपको क्लियर ट्रेंडिंग साइंस अगर नहीं दिख रहा है तो स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग के टेरिटरी में मत जाइए टू वेनजडेज आर दी मोस्ट वनरेबल डेज जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो ओवर ट्रेडिंग की टेरिटरी में जा सकते हैं सो जस्ट बी जस्ट टे ऑन लिटिल बिट कॉशियस साइड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन परस्पेक्टिव कि ज़्यादा आपको ट्रेड्स नहीं करना है सिर्फ कंटिन्यूसली ऑर्डर पंच करते हुए नहीं रहना है मॉर्निंग में अगर एक दो ट्रेड्स अगर फेल हो गए आपके तो इट इज़ बेटर टू टेक अ पॉज एंड देन आप फिर से एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हो लेकिन जस्ट रिमेंबर दैट वेनसडेज आर द बिगेस्ट डेज जहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ट्रिगर हो सकता है सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट ओके

देन यहाँ पे छोटा सा विप्सो अगर देख के अगर फेक विप्सो टाइप सिनारियो अगर बनता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड टू ट्रेड दिस लॉन्ग सेम सिनारियो अगर, अगर, अगर फ्लैट ओपन होकर रिस्क को क्रॉ इसके आसपास में आकर सस्टेन करता है कंसोटेशन के बाद में अगर कर ब्रेकआउट करता है वी कैन ट्रेड दिस मूव फॉर एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटीन थाउजेंड टू फोर्टी काइंड ऑफ टारगेट्स ओके सो आई होप द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ प्लान्स आर क्लियर ट्रेड रिस्पांसिबली डो नॉट गेट इन टू टेरेटरी ऑफ ओवर ट्रेडिंग ओके सो दिस इज मी इज ए साइनिंग ऑफ प्लीज टेक केयर ओके थैंक यू